श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु। एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म तथा ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। आज मैं बात करूँगा स्मरण शक्ति तीव्र करने के लिए। जी हाँ, स्मरण शक्ति कैसे आप तीव्र कर सकते हैं, और तमाम अभी परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं और फिर आगे बच्चे आगे क्लास में जा रहे हैं, उनके परिणाम, उनके स्मरण शक्ति कमज़ोर होने के कारण उनके परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ सकते। उनके पास टैलेंट होती है परंतु आपके पास स्मरण शक्ति यदि कमज़ोर होता है तो आप उसको अपने उत्तर पुस्तिका में जो आप पेपर करते हैं और जहाँ लिखते हैं कॉपी में, तो वो आप जब देख वहाँ जमा होता है तो उसमें कोई नज़र नहीं आता, जिसके कारण आपको कम अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस समय आपको वो प्रश्न के उत्तर उस तरीके से याद नहीं थे। अब उसकी इस समस्याओं को दूर करने के लिए एक सटीक उपचार लेकर मैं आज आपके पास उपस्थित हुआ हूं, और उस राशि के बारे में बताऊंगा जिस राशि के बच्चे थोड़े नटखट भी होते हैं, चंचल भी होते हैं। जी हां, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक यदि अपने स्मरण शक्ति को तीव्र करना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, कन्या राशि वाले जो जातक बच्चे हैं उनको स्मरण शक्ति तेज करने के लिए आपको सर्वप्रथम जहां आप पढ़ते हैं वहां सामने में, जहां बैठते हैं वहां सामने में आपको कोई हरियाली सी बागीचा का इस तरीके का कोई चित्र लगाना होगा, सर्वप्रथम जहां आप बैठते हैं उसके जस्ट सामने में। साथ ही साथ आपको दुर्वा तथा बेलपत्र का प्रयोग करना होगा। भगवान शंकर को दुर्वा और बेलपत्र चढ़ाना है, और चढ़ाते समय भगवान शंकर से विद्या की कामना करें। विद्या की कामना करते हुए वह उसमें अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का आपको इस समय जाप करना होगा, और जब आप अर्पित कर रहे हो तो प्रसाद भी जो आप लगाएंगे अर्पित करने के बाद, जो प्रसाद का भोग लगाएंगे उसमें भी आपको बेलपत्र, ताजे बेलपत्र और दुर्वा का ऊपर का जो भाग होता है जिसमें नवदल आते हैं उसको अच्छे से धोकर भोग लगाना है, और प्रसाद के रूप में नवदल पत्र, जो बेलपत्र का नया पत्र है, और नवदल जो तुलसी का, ये माफ करें, दुर्वा का जो नवदल है उस नवदल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इसके प्रभाव से, यह प्रत्येक दिन करना है, इसके प्रभाव से देखेंगे कि आपका स्मरण शक्ति तीव्र होता है। साथ ही साथ जब आप पढ़ाई करने के लिए, जब आप पठन पाठन करने के लिए बैठते हैं वहाँ आपको ध्यान लगाना है, उस बागीचे के जो आपने चित्र लगाया है उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना होगा। संध्या काल में आपको कहीं आसपास कोई गार्डन हो, कोई मैदान हो, मैदान में जाकर उस हरे जो ग्रास हैं उस पर चलना है। आप उस पर यदि चलते हैं, ग्रास पर चलते हैं, हरे ग्रास पर चलते हैं, इसका प्रभाव भी आप देखेंगे कन्या राशि वाले जातक कि आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। और संध्या काल में जब आप पठन के लिए बैठेंगे, ध्यान के उपरांत ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, जी हाँ, वो बहुत सरल मंत्र है, बहुत सटीक मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है परंतु बड़ा सटीक काम करने वाला मंत्र है। मतलब इस मंत्र का जाप यदि आप ध्यान की अवस्था में अपने अंदर ही अंदर इस ध्वनि को बोलते हैं 108 बार, तो आप इस ध्वनि के प्रभाव से देखेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, और जिसके प्रभाव से आपका स्मरण शक्ति तो तीव्र होगा ही होगा, आपके जो परीक्षा के परिणाम हैं वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो
आम जिंदगी में भी जी रहे हों और जिनको कन्या राशि वाले जातक हैं उनकी शॉर्ट मेमोरी लॉस, कोई बात कोई बोला और तुरंत भूल गए, वो भी यदि इस चीज़ को करते हैं तो उनको भी ये समस्याएं, उनसे भी ये समस्याएं दूर हो जाएगी और उनकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। आप लोग जुड़े, आप लोगों तमाम कन्या राशि वाले जातकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।